अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दास्तान कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक तो जरूर पहुंचे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा है आप सब? मैं हूं आपका दोस्त प्रसन्नजीत कौर और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दास्तान कर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉकडाउन में अपने कार को कैसे केयर करें। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को करना पड़ता है। तो चलिए पहले इसका कवर खोल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्या करना होगा। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कार को कैसे लॉकडाउन में केयर करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लिया मैंने, 15 मिनट तक स्टार्ट करके रख देंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप होगा कि ये जो हैंड ब्रेक आप देख रहे हैं, मतलब कार को हैंड ब्रेक में ज्यादा दिन तक नहीं रखना है, तो हैंड ब्रेक को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको रखना है तो गियर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंड ब्रेक में ज्यादा दिन कार को नहीं रखना है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया दूसरा चीज। आप तीसरा चीज जो कि मेन है वो कार का टायर प्रेशर, जो कि आप लोगों को चेक करना है। और तो तीसरा जो मेन बात है वो ये है कि कार को बहुत दिन के लिए एक जगह पे खड़ा नहीं करना है, तो कार का टायर डपने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, गाड़ी को थोड़ा मूव करके रखना होगा। ठीक है, ताकि टायर का पोजीशन जरा चेंज हो। ठीक है गाइस, तो चलिए वो आपको दिखा देता है। तो क्योंकि हैंड ब्रेक आप लोगों ने रिलीज कर दिया है, तो आप लोग पीछे में ये गुटका दे सकते हैं सपोर्ट करिए टायर को। ठीक है, और आप लोगों को दिखा दे दूं, ये जो टायर है ये साइड में बहुत दिन तक बैठा हुआ है, तो अब ये मूव करके ये से रखना होगा। तो ये जो टायर देख रहे हैं आप, ये जो बहुत दिन से ये साइड में बैठा हुआ था, तो अभी हमको क्या करना है, ये साइड में एक मार्किंग कर देते हैं, फिर इसको मूव करके दूसरा साइड बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये टेप से हम मार्क कर देते टायर को। तो हमने चारों टायर में मार्क कर दिया है। ठीक है, यहां भी कर दिया है और यहां भी कर दिया है। तो अभी कार को हम मूव करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो कार को थोड़ा मूव करके ये टायर को थोड़ा रोटेट करना है, तो इससे क्या होता है, टायर जो एक ही जगह में बैठा रहता है इसलिए उस पर ज़्यादा प्रेशर गिरता है, तो ऐसा करने से टायर का लाइफ
ज्यादा होगा। तो ये है 3 नंबर पॉइंट। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया है कि कार को बहुत दिन तक ऐसे एक ही जगह में पार्क ना करें, उसको थोड़ा सा मूव करें, टायर को थोड़ा सा रोटेट करें, ठीक है, फिर 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ दें, कुछ भी ना करें, क्योंकि बैटरी जो है नए नए गाड़ी में उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जो गाड़ी थोड़ा सा पुराना हो जाता है फिर गाड़ी में स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा दिन तक। आप लोग गाड़ी पार्क करेंगे तो गियर में पार्क कीजिएगा या फिर वो टायर में गुटका देकर पार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, और कुछ जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है गाइज। और अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आने वाला वीडियोस आप लोगों को जरूर सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, घर में रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, चलिए चलते हैं।